हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्वेरी और सब क्वेरी में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपने क्वेरी बनाई होगी, तो क्वेरी और सब क्वेरी में क्या डिफरेंसेस हैं, आज इसी की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, ठीक है? तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक यूनिक फील्ड आईडी मैंने ले रखी है। यहाँ पर है फर्स्ट नेम, फिर है लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? तो क्वेरी किसे कहेंगे? यहाँ पर तो सिर्फ टेबल बनाई गई है, ये टेबल ही आपको दिख रही होगी, कंबाइंड टी नाम से ये टेबल बनी हुई है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये देखिए कंबाइंड टी नाम से टेबल बनी हुई है, ठीक है? अब समस्या ये है कि क्वेरी कैसे बनेगी। तो क्वेरी ऐसे बनेगी कि यहाँ क्रिएट पे जाइए और क्वेरी डिजाइन पे जाइए। अब जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं तो ये कंबाइंड टी वाली टेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों ही चीजें चाहिए, तो ये तीनों ही चीजें ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिख देता हूँ फुल अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे फुल नेम आएगा। और कैसे आएगा फुल नेम, जरा समझिएगा। जो फर्स्ट नेम है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए और एंड शाइन लगाइएगा। एंड मैं इसे थोड़ा सा जूम व्यू पे लेके भी दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चलेगा। एंड लगा दिया, अब यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए LAST लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो बस ये करके और यहाँ से ओके करना है, तो ओके करने के बाद यहाँ से रन करना है। ये बन गई आपकी क्वेरी, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए हैं, ठीक है? आप चाहे तो इसमें गैप भी कर सकते हैं। कैसे गैप करेंगे, गैप करने के लिए आपको बहुत आसान है। यहाँ पे पहले इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डबल डॉट कोट्स ओपन करना है, फिर डबल डॉट कोट्स क्लोज करना है और फिर यहाँ पे एंड लगा देना, तो बस ये गैप भी आपको निकाल के देगा। तो देखिए यहाँ पे गैप भी अब क्रिएट हो गया, बीच में गैप आ रहा है, सुमित और सिंह के बीच में गैप है, अजय और पाल, हर एक जो नाम है उसके बीच में गैप है। तो ये तो आपकी हो गई क्वेरी, लेकिन अब ये सब क्वेरी क्या होगी, चलिए इस क्वेरी को हम सेव करते हैं कंबाइन क्यू के नाम से, CUMBIN यानी कंबाइन क्यू। तो ये हो गया कंबाइन क्यू नाम से क्वेरी, ठीक है? अब सब क्वेरी क्या है, तो सब क्वेरी इसी के अंदर जब आप कोई क्राइटेरिया सेट कर देंगे, जैसे मान लीजिए मैं डिजाइन व्यू पे लेता हूँ और यहाँ पर हम क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं। क्या सेट करेंगे क्राइटेरिया, हम चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने लगा दिया है कुछ इस तरीके से, देख लीजिए इसको ध्यान से। और ये जो है ना, जो भी ग्रेटर होगा, डेट जो है ग्रेटर होगा इससे, इससे जो भी मतलब ग्रेटर होगा उसी को ये निकाल के देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये हमारा टेबल है कंबाइन, अब देखिए इसमें ये 4/10/2001 है, तो 2001 वाला तो इसमें आएगा नहीं, जो भी इससे ग्रेटर रहेगा वही आएगा 2008। कंडीशन क्या दी गई है एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पर मैं इसे लेके आता हूँ डिजाइन व्यू पे लेता हूँ, देखिएगा जरा यहाँ पे कंडीशन ये है, जरा देखिएगा ध्यान से, कंडीशन आपकी ये है 1/5/2008 दिया गया है। तो देखिए जरा 1/5/2008 वाला एक भी दिख रहा है या उससे कम वाला दिख रहा है, 1/5/2008 यहाँ देखिए 1/5/2008 3/8/2008 है ना, 1/5 तो है नहीं, ठीक है? तो उससे जो भी ज्यादा रहेगा वही दिखेगा आपको, और इसी को कहते हैं सब क्वेरी। आपने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, अब कंडीशन दे दिया तो ये कहलाएगी क्वेरी, के अंदर एक और क्वेरी लगा दिया यानी कंडीशन दे दिया आपने, तो ये कहलाएगा सब क्वेरी, ठीक है ना?